गीता पांडे वाले मामले में जिस तरह से रोष देखने को मिल रहा है, इस समय मैं मॉर्चरी एम्स ऋषिकेश में खड़ा हूं और यहां पर जो जनता है, जो लोग हैं, उनमें रोष देखने को मिल रहा है। मैं बात करना चाहूंगा कुछ लोगों से, क्या कहेंगे इस बारे में भाई साहब, पूरे मामले में क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखो, जो कुकृत्य देवनगरी में हुआ यह नहीं होना चाहिए था पहले तो, और उनको फांसी की सजा मिले। मैं तो ये कह रहा कि यूपी के टाइम में जो है इनकाउंटर होना चाहिए इनका, और सख्त से सख्त फांसी की सजा देनी चाहिए। जो ये चार पांच दिन से ये जो दबाई रखी राज्य सरकार ने इनके जो है, उनको भी वो भी उतने ही उस जो है वो है जो पाप है उन्होंने किया है, और साथ में जो है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम सारे क्षेत्रवासी सब एक साथ हैं, एक साथ मिलकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। इसके आप क्या कहेंगे भाई साहब इस पूरे मामले में, क्योंकि ये मामला भाई जी पूरी तरीके से मामले को जो ना फैब्रिकेट करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ हमारी जो विधायक है उससे, रेणुबिष्ट से। पांच दिन से रेणुबिष्ट गायब है, कल रेणुबिष्ट थाने पहुंचते सुबह जब पुलिस के पास मामला पहुंच जाता है। अरे पुलिस की ज्यूरिडिक्शन में मामला नहीं था, पुलिस ने मामले मिलते ही पूरी तत्परता से काम किया। रेणुबिष्ट के क्षेत्र में तो था, उसने पटवारी को पांच दिन से तलब क्यों नहीं किया, क्यों रिपोर्ट नहीं आई? सर सिर्फ वे घोलमोल करके रात को 3 बजे जा करके वो बुलडोजर ढाती है वहाँ पे, खूब ताली बटोरती है वहाँ पे। रेणुबिष्ट से ये बताया किसको बचाने के, किसके बचाने की साजिश की गई है वहाँ पे, साक्ष्य बर्बाद किए गए हैं, वो तो इस चीज को बताए। आदित्यनाथ योगी जी का क्षेत्र है यमकेश्वर राव, और जिस तरह से बड़ी घटना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहेंगे? आदित्यनाथ जी का जो क्षेत्र है वो सही बात है, आदित्यनाथ जी की ही सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री के बेटे का ही कुकर्म है, तो आदित्यनाथ जी भी उस पे उनको भी एक्शन लेना चाहिए और उनको भी बात करना चाहिए, उनको भी बात इस मामले को लेकर के बात करनी चाहिए और इस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। अभी जो मामला है वो पूरी तरह से पटवारी को अभियुक्त नहीं बनाया गया, पटवारी को अभियुक्त बनाया जाना चाहिए, हमारी विधायक रेणुबिष्ट को अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। ये 5 दिन से क्षेत्र में से गायब है, और मैं तो कहता हूँ पिछले 2 मुकदमे और हैं साहब, एक लड़के का मर्डर हो गया था 4-5 महीने, उसमें कुछ नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली प्रधान को खनन माफिया ने मारा था, उसमें कुछ नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कराने वाली मैडम है, कॉम्प्रोमाइज फिर कराने पहुंची थी और करवा के जाएगी। प्रदेश सरकार के लिए मैं तो जनता से मांग करता हूँ कि जब तक ये पूरी जांच साबित हो, रेणुबिष्ट को इससे कोसों दूर रखा जाए, रेणुबिष्ट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, तब तक उसको उसके पद से अवमुक्त रहे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जांच के ऊपर। तो जिस तरह से कहीं ना कहीं जनता में रोष देखने को मिल रहा है और सरकार के ऊपर भी सवाल निशान लगाने के लिए जनता कह रही है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो इसमें लिप्त है, और सरकार के ही नुमाइंदे जो एक सरकार में एक अच्छे पद पे बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनकी होटल के अंदर उनके बेटे ने ये जो काम किया है उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता में रोष देखने को मिल रहा है। मैं विपिन नागी, TV9 भारतवर्ष, ऋषिकेश। इस वक्त कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे थे और जिन्होंने यहाँ पे वसंतरा के आगे आग लगा दी है, और ये आप देख सकते हैं कि छात्र यहाँ पे पहुँचे थे और आग लगा दी इन्होंने पूरी, और पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे, अब ये लोग हैं जहाँ से भी आए हैं, लेकिन उन्होंने आग लगा दी है, और पुलिस को अब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वजह यही है कि पुलिस इस वक्त यहाँ पर मौजूदा में कम है। TV9 भारत पर के लिए किशोर रावत, वसंतरा गेस्ट हाउस, यमकेश्वर।